मेरा नंबर ना मांगो ना मैं दूंगा, क्योंकि हमारी शादी पठानों में होंगी। देख बोले ना राख बोला रा भाई की जानन में दास से सजा रखना दावले वाले जजल में पुफुल पाते बेगलद काबल समा सर्ब बर्ब। और अब्बू अदनान बोलते हैं और अम्मी जो है वो आर्यन कहती है, तो दोनों आजकल जो है आपके ग्रुप के वो लड़के हमें एक साथ नजर नहीं आ रहे, उसकी मेन वजह क्या है? खासकर इब्राहिम जो वो भी नजर नहीं आ रहे आपके तरफ। यार इब्राहिम के फॉलोअर्स इतने हो गए, वो इतने बिजी इतने हो गए कि अबे आसिक हैं गुलाम थोड़ी हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फारूक जान, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़ HD। नाज़रीन इस वक्त हम कराची के एरिया बोर्ड ऑफिस में मौजूद है। जैसे कि आपको पता है फ्रंट न्यूज़ HD वो वाहिद यूट्यूब चैनल है जो मुख्तलिफ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले टिकटॉकर्स के इंटरव्यूज आपके लिए पेश करता है एक मुनफरद अंदाज में। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि जिन टिकटॉक स्टार्स को आप अपनी टिकटॉक की स्क्रीन पे देखते हैं उनकी कुछ बातें आपको समझ आ सके, उनके बारे में आपको पता चल सके कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी रूटीन कैसी होती है। जी नाज़रीन, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आज किसका इंटरव्यू आएगा फ्रंट न्यूज़ HD पे, आर्यन अदनान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? टिकटॉक आप यहाँ पे काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे हमें, काफ़ी फैंस आपके हमें नज़र आ रहे हैं भाई, तो ये बताना चाहेंगे कि आपकी जो टिकटॉक आईडी है वहाँ पे आर्यन अदनान के नाम से है, लेकिन आपका जो रियल नाम है पूरा नाम वो क्या है? काफ़ी लोगों को नहीं पता। अम्मी अदनान बोलती है, अब्बू अदनान बोलते हैं और अम्मी जो है वो आर्यन कहती है, तो दोनों नाम रख लिया मैंने। जी है ठीक है। क्या हो रहा है आजकल? लॉकडाउन है तो घर पर ही पड़े होते हैं, बाकी कभी कभार दुकान चले जाता हूँ, बाकी दोस्तों में ही होता हूँ रात को। सही, हमने पहले आपके जो है इब्राहिम के साथ देखा था जो टिकटॉक पे हमारे दोस्त थे काफ़ी अच्छे, इब्राहिम उनके साथ देखा था, आप लिपसिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करते हैं, हमने आईडी भी देखी। अभी कितने फॉलोअर्स है आपकी टिकटॉक पे? 1,65,000 प्लस है अब, 1,65,000 प्लस। सही, ज़्यादातर वीडियोज़ किस हवाले से बनाते हैं आप? पश्तो ही होती है, पश्तो गाने होते हैं और कभी कभार फनी भी आ जाती है और उर्दू भी गाने आते हैं, मिक्स होते हैं मिक्स तकरीबन। आपके ग्रुप में काफ़ी लड़के थे ना, इब्राहिम भी था उसमें और भी कई दोस्त थे, तो आजकल जो है आपके ग्रुप के वो लड़के हमें एक साथ नज़र नहीं आ रहे, उसकी मेन वजह क्या है? खासकर इब्राहिम जो वो भी नज़र नहीं आ रहे आपके तरफ। यार इब्राहिम के फॉलोअर्स इतने हो गए, वो इतने बिजी इतने हो गए कि अब मॉडलिंग में भी जाते हैं कभी कभार, और दोस्तों को भी टाइम देना होता है तो बाकी लोगों को टाइम नहीं दे पाते, कभी कभार किसी को बोल दिया कि यार यहाँ मिलने आना है तो वो आ जाते हैं, वैसे बिजी बहुत होते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो आपके साथ उनकी मुलाकात नहीं होती क्या? अभी होती है, क्यों नहीं होती है, दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है, होती है बात होती है। सुनने में ये आया है कि वो जो है इंस्टाग्राम पे किसी को रिप्लाई भी नहीं देता, इसकी कोई सदाकत है इस बात में? फैंस इतने हो गए उसके, अब इंस्टा भी 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, तो वो बेचारा भी तो किस किस को रिप्लाई दे। अच्छा लड़का है, गुरूर वाला भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें अक्सर ये कहते हैं कि इब्राहिम जो पहले हमारे साथ मिलता था अब काफ़ी फेमस हो गया, अभी उसको चाहिए कि मिले, तो आप लोगों ने कभी उनको बताया कि यार फैंस को टाइम दिया करो, एक मीटअप रख दो वहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे? जी बोला तो है हमने, उन्होंने वो कहा था कि हाँ होगा, जब टाइम मिलेगा, जब फ्री होऊंगा तब हो जाएगा, अभी मुश्किल है, अभी तो नहीं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो आपकी टिकटॉक आईडी है ना, हमने उसमें काफ़ी देखा आप अक्सर सैड वीडियोज़ ज़्यादा बनाते हैं, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? नहीं नहीं नहीं, लड़की अम्मी मारेंगी, बहुत मारेंगी। नहीं, गर्लफ्रेंड है आपकी या पहले थी कोई? पहले नहीं, गर्लफ्रेंड वाला मैं नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, करेंगे है कोई? अभी बता दे क्योंकि इसने बोल दिया मेरे ख्याल में है कोई। नहीं गर्लफ्रेंड मेरी कोई नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड मेरी कोई नहीं है, क्योंकि पठान है तो शादी अक्सर पठानों में ही होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी और का दिल आजारी करूँ या टाइम पास करूँ, अच्छा नहीं लगता, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी कोई भी। सही, कमेंट्स में अक्सर लोग पूछते हैं आपसे कि हमें मिलना है, आप कहाँ पे मिलोगे, तो उनको क्या पैगाम देंगे, किस तरह उनकी मुलाकात? यार जैसे अभी लोग आए तो इसी तरह वीडियोस महीने दो महीने में अपलोड करता रहूँगा और ये लोग मुझसे मिलते रहेंगे। सही, रिहाइश कहाँ पर है आपकी? जी ये नाजमाबाद, वो क्या कहते हैं पहाड़गंज जो है, पहाड़गंज के पीछे कस्बा कॉलोनी से ऊपर MPR कॉलोनी। ग्रुप में कौन कौन से लड़के शामिल है आपके, नाम बताएं? अरबाज है, हबीब है और अरशद है, नजीब, शाहिद, इब्राहिम। अभी तो हमारा जो दोस्त है अरबाज, बड़ा अच्छा लड़का भी, वो इस्लामाबाद गया हुआ है, तो दैट्स वाई हमारा ग्रुप इतना बिगड़ गया या अलग हो गए सब, तो वो रीज़न है कि वो अरबाज गया, क्योंकि वो हमारे ग्रुप को चलाता था सब कुछ,
हो गया है तभी हमारा ग्रुप ऐसा हो गया है। सही, टिकटॉक पे जो कोई कमेंट करता है आपसे कोई सवाल वगैरह पूछता है ना, तो आप कमेंट का रिप्लाई उनको देते भी है या इग्नोर कर रहे हैं? नहीं नहीं, कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, लाइक तो मैं सबको करता हूँ, बाकी जो ज़रूरी बात होती है वो मैं जवाब देता हूँ ज़रूर देता हूँ। नहीं बताया कि इस टिकटॉक के अलावा जॉब वगैरह क्या है आपकी, क्या मसरूफियात होती है? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, मैट्रिक हो गया, अभी कभी कभार दुकान जाता हूँ अब्बू के साथ हाथ बटाने, तो वैसे मैं कोई काम नहीं करता, अभी फ्री हूँ, मैट्रिक हो गया दैट्स व्हाई अब्बू के साथ जाता हूँ, वैसे मुझे काम नहीं है, घर पे ही होता हूँ या कभी कभार दुकान चले जाता हूँ। अभी कॉलेज में एडमिशन लूँगा शारा फैसल पे, सोचा है आगे इंशाल्लाह पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह। फोटो शूट का शौक है आपको? वैसे पहले था, 4-5 साल पहले था, अब नहीं है, अब जब कैमरे देखता हूँ हंसी आती है कसम से। तो अब जनरेशन वीडियो कौन से मोबाइल से बनाते हो आप? मेरे पास iPhone 6s Plus, उसी से बनाते हैं। सही, आपको एक बात बताऊंगा, हमने जो भी इब्राहिम वगैरह की वीडियो डाली है ना उसमें साथ होते हो आप, तो काफ़ी लड़कियां हमसे आपका भी नंबर मांगती है, कह रही है इसका नंबर चाहिए। नहीं दिया करो, क्या कहते हैं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, नहीं दिया करो। उनको कोई पैगाम नहीं कि जो नंबर मांगती है, जाहिर सी बात है हम तो उनको जवाब नहीं देते, इग्नोर कर लेते हैं, तो आज आप मिल ही गए तो उनको बता दीजिए फिर नंबर के वाले से क्या बताना भाई। मेरा नंबर ना मांगो ना मैं दूंगा, क्योंकि हमारी शादी पठानों में होंगी और वो भी अपनों में, खैर मैं अपनों में नहीं करूँगा, अपनों में ही होगी, तो देख सा बोले ना बोला रहा भाई की अगो मैं कर, अभी वो अब्बू अम्मी पे डिपेंड करता है कब शादी करवाएंगे वो, खैर मैं अभी नहीं करूँगा जब तक ग्रेजुएट ना हो जाए, MBBS पूरा ना कर लूँ, मैं शादी का सोच नहीं रख सकता। अच्छा, इब्राहिम के नाम से जो है एक यूट्यूब चैनल भी आजकल आ रहा है, मेरे ख्याल में तो वो इब्राहिम का नहीं हो सकता, आप उनके दोस्त से आपको बखूबी पता होगा, वो क्या इब्राहिम का चैनल है, कौन चला रहे हैं? नहीं नहीं, वो इब्राहिम का नहीं है, इब्राहिम के नाम से एक नहीं है, 2-3 चैनल है जो चल रहे हैं, वो इब्राहिम का नहीं है। इब्राहिम को मैंने बोला है कि यूट्यूब चैनल बना ले, उससे आपका अर्न अच्छा हो जाएगा, पैसे कमा लेंगे, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो वीडियोज़ बनाए और यूट्यूब पर अपलोड करे व्लॉग वगैरह, तो मैंने उनको एडवाइस दिया तो ये चैनल बना लो, लेकिन वो चैनल उनके नहीं है, इब्राहिम का नहीं, मतलब उनका नहीं है। सही, देख लिया आपने, मैंने आपको बोला था ना उनका नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे कि हमने देखा था कुछ जब इब्राहिम वायरल हुआ था ना टिकटॉक पे, तो एक और लड़का, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँ क्योंकि मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता, तो उनकी भी वीडियो देखी हमने, वो काफ़ी उनके स्टाइल में वीडियो बना रहे थे लेकिन वायरल नहीं हुआ उतना, तो उसके वाले से पता है आपको कौन था, क्या करता था वो? जी मैं समझ गया, अवेश था, अवेश अच्छा लड़का है, मिला 2-3 बार मिला हमसे, अच्छा लड़का है, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, वो क्या कहते हैं राज खुल जाएंगे, खैर उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, मिला था हमसे, अच्छा लड़का है, अच्छा ही बोल सकते हैं, पीछे बोल तो नहीं सकते। ठीक है, अली हैदराबादी आजकल टिकटॉक पे काफ़ी धूम मचा रहे, अचानक इतने कैसे वायरल हुआ, कोई राज है इसमें? वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे उसे आगे बढ़ा सकता है, तो लगता उसका चल रहा है फेमस हो रहा है, तो बस लगता उसका नसीब था। सुनने में ये आ रहा है कि वो गुरूर नहीं करता हर किसी के साथ मिलता है। हाँ, गुरूर में नहीं है, हर किसी के साथ वीडियोस बना रहा है, छोटे के साथ बड़े के साथ तफरी भी कर रहा है, कभी एक शहर में जा रहा है कभी दूसरे शहर में जा रहा है, तो अच्छा लड़का है यार, मिला तो नहीं। बाकी टिकटॉक यूजर्स हैं ना काफ़ी, 2-3 लाख वाले, उनको क्या एडवाइस देंगे कि इसी तरह फैन के साथ मिलेंगे तो उनके व्यूज़ भी बढ़ेंगे? सही बात है, आप फैंस के साथ मिलो, आपके फॉलोवर्स और बढ़ेंगे, वो उनके दोस्त फॉलो करेंगे, उनके साथ मिलेंगे अगले के दोस्त फॉलो करेंगे, तो जितना आप लोगों से मिलोगे ना आप उतने ही ज़्यादा पॉपुलर होंगे। ठीक है, आखिरी सवाल ये होगा कि जो फ्रंट न्यूज़ चैनल है हमारा, काफ़ी सपोर्ट किया आप टिकटॉक यूज़र्स को, क्योंकि आपका पैगाम हमने बिल्कुल आसानी के साथ पहुंचाया उन तक, तो हमारे चैनल के दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे? यार इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल है, अभी 16,000 तक तकरीबन सब्सक्राइबर है इनके, आप उनको और सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर भी इनका पेज है और इंस्टाग्राम पर भी फारूक जान के नाम से इनकी ID है, इनको भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक को भी करो। और शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए फ्रंट न्यूज़ HD को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।